पेरेंट्स, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत वरिंग वाला क्वेश्चन जो मदर्स के माइंड में आता है। मदर्स बहुत सारी ओपीडी में आती है और बोलती है कि मेरा बच्चा ग्रीन पोटी कर रहा है मैम, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये अबनॉर्मल है, कब ये नॉर्मल होता है, कब ये एबनॉर्मल होता है, क्या आपको टेंशन लेना है, आपको बहुत कॉन्शियस होना है। आइए इसके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। एग्जैक्टली ग्रीन स्टूल क्या होता है, ग्रीन पोटी क्या होती है, क्यों होती है और ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, इसके बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल। एग्जैक्टली बच्चा स्टूल पास कैसे करता है, कौन सी कलर का करता है, ग्रीन कलर का करता है तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका स्टूल का कलर धीरे धीरे करके चेंज होता है। यस, जब वो बर्थ होता है तब उसके कलर, जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको हम मेकोनियम बोलते हैं और उसका जो कलर है वो ब्लैकिश कलर का होता है। फिर ब्लैकिश से धीरे धीरे ब्राउन कलर होता है, फिर ग्रीन कलर होता है, फिर डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और फिर येलो कलर की ओर चला जाता है। ऐसे ये एक दो वीक के लिए होता है बच्चों का कलर का स्टूल चेंज होना या स्टूल का कलर धीरे धीरे करके चेंज होना और येलोइश की तरफ बढ़ना। ये जो ग्रीन कलर है, मतलब ब्लैक कलर और येलो कलर, इसके बीच में जो कलर चेंज होते हैं इसमें ग्रीनिश कहीं कलर आ सकता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, इसको आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकेंड जो बात है, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है और उस टाइम पे अगर वो न्यू फूड इंट्रोड्यूस करता है, कुछ सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करता है या उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम ज़्यादा देते हैं तो उसके कारण भी उसके स्टूल का कलर ग्रीनिश होता है, वो भी एकदम नॉर्मल है। तीसरा जो पॉइंट है, अगर उसको कहीं बाहर से हम आयरन सप्लीमेंट, मोस्टली ड्रॉप्स चालू रहते हैं बच्चे को, अगर आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उसके कारण भी बच्चे को ग्रीन पोटी आती है, वो भी एकदम नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। फोर्थ जो पॉइंट है, जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है सिर्फ माँ के दूध पे ऊपर डिपेंड है, उसमें अगर मम्मा जो दूध बच्चे को पिलाती है वो ज़्यादा टाइम तक एक ब्रेस्ट में नहीं पिलाती, मतलब 5 मिनट में इधर पिलाती है और 5 मिनट पूरा इधर पिलाती है, तो ये जो होता है, जो क्योंकि ये जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क, वो दो तरह के होते हैं, हैंड मिल्क और जो सेकेंड वाला होता है फोर मिल्क, ठीक है। तो जो फोर मिल्क है वो स्टार्टिंग में आता है, जो बहुत लिक्विड होता है उससे जो स्टूल है वो पतला होता है और कभी कभी ग्रीन भी आ जाता है, और जो सेकेंड मिल्क होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक जब माँ एक ही ब्रेस्ट का दूध पिलाती है बच्चे को, तो वो सेकेंड वाला जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं हाइंड मिल्क, वो थोड़ा गाढ़ा होता है और वो बच्चे के लिए वो नॉर्मल स्टूल बनाता है। तो अगर वो जो हाइंड मिल्क है वो माँ नहीं पिलाती और फोर मिल्क पिला के फिर तुरंत दूसरे ब्रेस्ट के उधर चली जाती है और तुरंत उसमें भी फोर मिल्क पिलाती है, तो इसके कारण भी बच्चे को ग्रीन स्टूल आने का चांसेस होता है, क्योंकि ये लिक्विड होता है, स्टार्टिंग वाला मिल्क होता है, वो एक कॉमन चीज़ है, तो ये भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर आपको कब एबनॉर्मल लगेगा, कब आपको टेंशन लेना है, अगर स्टूल के साथ ब्लड दिख रहा है तो वो आपको इन्फेक्शियस समझना है, तुरंत आपको डॉक्टर का सलाह लेना है। सेकेंड जो बात है, ग्रीन स्टूल के साथ अगर व्हाइटिश कलर का म्यूकस है, व्हाइटिश कलर का जिसे बोलते हैं एकदम, वो अगर म्यूकस दिख रहा है तो वो भी आपको इन्फेक्शियस समझना है और डॉक्टर के पास जाना है। इसके थर्ड जो है कि ये ग्रीन स्टूल के साथ बच्चा अगर वीक है, इरिटेंट हो रहा है, सोते ही जा रहा है, खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहा है, फीवर कभी कभी होता है या सर्दी जुकाम है साथ में, तो फिर आपको टेंशन लेने की बात है, फिर आपको डॉक्टर का सलाह लेना है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये ग्रीन स्टूल के साथ आपको ध्यान में रखनी है, आपको ऑब्जर्व करनी है कि अगर ये इन्फेक्शियस है या नहीं है, अगर है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, एक दो वीक ये रहेगा और फिर धीरे धीरे चला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।